Hello friends, welcome to my channel Knowledge Classes. This is Shruti, and today we will discuss about objectives of teaching geometry in mathematics. Firstly, what is geometry? Geometry comes from the two words geo and meter. Geo means earth, and meter means measurement. So, geometry means the measurement of the अर्थ मेजरमेंट ऑफ द अर्थ को हम ज्योमेट्री बोलते हैं इट इज़ द साइंस ऑफ लाइन्स एंड फिगर्स ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ शेप साइज रिलेटिव पोजिशन ऑफ द फिगर्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पेस ये ऐसी ब्रांच है मैथामेटिक्स की जोमेट्री जहाँ पर हम क्वेश्चंस हमारे जो शेप और साइज से जुड़े होते हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं मैथामेटिशियन वर्क इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड जियोमीटर जो मैथामेटिशियन ज्योमेट्री के फील्ड में काम करता है उसे हम जियोमीटर बोलते हैं ज्योमेट्री इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द वर्ल्ड इज अप ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड स्पेसिस ज्योमेट्री हमारे लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि होल वर्ल्ड जो है हमारा वो डिफरेंट शेप से भी बना है डिफरेंट साइज से भी बना है डिफरेंट स्पेसिस से भी बना है इसलिए ज्योमेट्री जो है वो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं वे वी यूज ज्योमेट्री फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी सचैस सी टी स्कैन एंड एम आर आईज आर यूज बोथ फॉर डायग्नोसिस एंड सर्जिकल एड्स वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स यू कैन सी हेयर Circle, rectangle. This is a square. This is a triangle. Cube, cube. These are all the geometrical shapes. There are the two values in geometry. First is the knowledge, and second is the method of logical thinking. There are the two aspects in geometry. First is demonstrative geometry, and second is practical geometry. Now, first, what is demonstrative geometry? डिमोन्स्ट्रेटिव जोमेट्री डील्स विद द साइज शेप एंड द पोजिशन ऑफ फिगर्स यहाँ पर हम साइज शेप जो है फिगर से पोजिशन ऑफ फिगर है जिसे हम डील करते हैं उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव जोमेट्री बोलते हैं और जो प्रैक्टिकल जोमेट्री क्या होती है इट कवर्स द कंस्ट्रक्शनल वर्क ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपस विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम कोई फिगर ड्रा करते हैं प्रैक्टिकली उसे हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव में हम प्रैक्टिकल नहीं करते बट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिक विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन से जो चीज़ हम बनाते हैं जो फिगर हम ड्रा करते हैं दैट कम्स अंडर द प्रैक्टिकल जोमेट्री वट आर दब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग जोमेट्री फर्स्ट टू डिवेल्प द एबिलिटी टू ड्रा एक्ूरेट फिगर्स यहाँ पर एक हमारी एबिलिटी डेवलप होती है जिससे हम एकट फिगर्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं टू अनेबल द लर्नर्स टू एक्वायर a मास ऑफ geometrical फैक्ट्स यहाँ पर आपके लार्ज अमाउंट uh, में कह सकते हैं या लार्ज मास पे कह सकते हैं आपके जो ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर डेवलप करते हैं आप एक्वायर करते हैं आप लर्न करते हैं

अपोजिट uh, एंगल्स कह सकते हैं एंगल्स को हम पढ़ते हैं लाइंस पढ़ते हैं फिगर्स पढ़ते हैं ये यह सब यहाँ पर जो हम सीखते हैं वो हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं टू डिमोन्स्ट्रेट द नेचर एंड द पावर ऑफ रीजन यहां पर हम चीज़ uh, कोई अगर हम फिगर ड्रा करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल्स स्क्र फॉर एग्जाम्पल रेक्ट एगल विद द हेल्प ऑफ द कंपस एंड प्रोटेक्टर तो हम वहाँ से प्रूव विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल हम प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज़ जो हम करेक्ट है एक्यूरेट है वो हम ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर हम शो करके भी चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं फिगर्स को प्रूव कर सकते हैं टू एड द पीपल्स इन बिकमिंग फेमिलियर विद बेसिक जोमेट्रिक कंसेप्ट एंड स्पेस परसेप्शनस

बच्चों को इन सब चीज़ों से आ, हम इन सब चीज़ों से बच्चों को फिगर्स ड्रा करना सिखाना भी यहाँ पर हम बच्चों से मतलब ये सब चीज़ें जो हैं वो ड्रा करवाते हैं और बच्चों को इसके बारे में हम नॉलेज कर देते हैं और बच्चा जो होता है इन सब से फैमिलियर हो जाता है कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है अगर किसी बच्चे को जमेट्री नहीं आती अगर हम उसे प्रोटेक्टर दे देंगे तो वो एंगल जो है एक्ूरेट वो ड्रा नहीं कर पाएगा उसके लिए हमें जो है बच्चों को सिखाना पड़ता है हाउ वी यूज़ द प्रोटेक्टर हाउ वी यूज़ द कम्पास इन कम्पास को कंपस को कैसे यूज करें प्रोटेक्टर को कैसे यूज करें तो यहां पर हम जोमेट्री में ये सब भी सीखते हैं टू एक्वायर विद द पीपल द गुड जोमेट्रिक नोटेशन बहुत तरह की ज्योमेट्रिक नोटेशंस होती हैं जैसे जोमेट्री में आप कह सकते हैं पैरल का साइन ये होता है ये कॉन्ग्रेंस का साइन होता है ये सिमिलर का साइन होता है तो ये बहुत सारी नोटेशंस हैं जो आप किसमें सीखते हैं ज्योमेट्री में सीखते हैं सो so स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग जोमेट्री इन मैथमेटिक्स फॉर बी एड स्टूडेंट्स सो so अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू